ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल का आज 9वां दिन है। मुख्य डाकघर के बाहर यह प्रदर्शनकारी पिछले 9 दिनों से लगातार अपनी मांगों के चलते मुख्य डाकघर के बाहर धरना दे रहे हैं। इस दौरान वहां बैठे डाक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 7वें वेतनमान के लाभ देने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्र के डाक कर्मियों की हड़ताल के चलते डाक वितरण व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। उनका यह भी कहना था कि पिछले काफी समय से डाक कर्मियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। 2 से 3 घंटे की ड्यूटी की जगह उन्हें 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। उनका कहना था कि वे 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाने की वजह से हड़ताल पर बैठे हैं। हमारा 23 तारीख से धरना प्रदर्शन हो रहा है मुख्य डाकघर अलवर के बाहर, और हमारी 7वें वेतन आयोग कमेटी को सरकार लागू नहीं कर रही है, उसमें देरी कर रही है। हमारे को उसका जब तक लाभ नहीं मिल जाता हम हड़ताल पे रहेंगे। और आज हमारा 9वां दिन है, सभी साथी धरना प्रदर्शन पे हैं, आज भूख हड़ताल कर रहे हैं हम, और सारा दिन भूखे रहेंगे। और किसी की तबीयत खराब हो गई और कोई कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी सरकार पर रहेगी। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी।